आज हम बच्चों बताने जा रहे हैं आपको विद्युत चुंबक के बारे में। विद्युत चुंबक होती है एक प्रकार की अस्थायी चुंबक। अस्थायी का अर्थ ये होता है कि जिसमें करंट हमने प्रवाहित किया, जब तक करंट जाता रहेगा तब तक वो चुंबक का कार्य करेगी, और जब हमने करंट बंद कर दिया वह चुंबक का कार्य करना बंद कर देगी। तो जो हमारी विद्युत घंटी है वो इसी पर आधारित है, विद्युत चुंबक पर। तो विद्युत चुंबक के लिए क्या करा हमने, एक लोहे की छड़ ली है, लोहे का टुकड़ा लिया है और इसके ऊपर हमने बहुत सारा कॉपर के फेरे लगा दिए हैं, तांबे के फेरे लगा दिए हैं तार के, और तार के जो दो छोर हो गए उन छोर पर हमने करंट प्रवाहित किया है, विद्युत छोर से हमने ये करंट दिया। तो जैसे ही इसको करंट दिया ये एक प्रकार की अस्थायी चुंबक हो गई और ये चुंबक का कार्य करने लगी। अब देखिए, देखते हैं करंट इसमें जा ही रहा है, और बीच में हमने क्या लगा रखा है कि श्रेणी क्रम में एक कुंजी लगा दी है, जिसे की कहते हैं। इसका कार्य होता है चुंबक को, विद्युत को रोकना, विद्युत को रोकना और चालू करना। नीचे को ऑन कर दिया यानी कि एक प्रकार से बंद परिपथ जी, तो हमारा करंट जाने लगा। अब देखिए करंट जा रहा है, और जैसे ही करंट गया तो ये हमारी मैग्नेट बन गई, देखिए चुंबक बन गई, दिख रहे हैं आपको जी, ये चुंबक बन गई। और इसको जैसे हम ऑफ करेंगे चुंबक खत्म, इसीलिए इसको ये कहते हैं अस्थायी, जो कि परमानेंट नहीं है ना, और भी चीज़ लगा सकते हैं ये सब चीज़ें, तो ये हमारी अस्थायी। अब इसका प्रयोग हम विद्युत घंटी में कैसे करेंगे ये देखते हैं। विद्युत घंटी के लिए ये हमारा एक समतल है और इस पर हमने सिर्फ एक साइकिल की घंटी लगा रखी और एक पत्ती लगा रखी है। अब पत्ती जो है चुंबक के द्वारा, पत्ती जो है चुंबक के द्वारा आपस में खींचेगी, और जैसे ही ये खींचेगी आकर्षित होगी तो इससे टकराएगी, और टकराने के बाद में क्या करेगी ये इस पर चोट करेगी, और चोट करने के कारण जो है ये आवाज़ उत्पन्न होगी और विद्युत घंटी हमारा कार्य करने लगेगी। देखिए करते हैं इसको कोशिश, लगा पांच में लगा देते हैं, छुआना नहीं है। चुंबक एक प्रकार से असंपर्क बल भी हो सकता है, देखो टकरा रही है। जैसे ही हम करंट को ऑन ऑफ कर रहे हैं तो ये विद्युत चुंबक इससे टकरा रही है। यह घंटी का प्रयोग जो है ऑफिस में या फिर घरों के बाहर दरवाजों पे लगाया जाता है, ये विद्युत घंटी का कार्य है ना। पुराने समय में, प्राचीन समय में यही ज़्यादा प्रयोग होते थे विद्युत घंटी।